आप लोग देखिए एसएससी जीडी का वेस्ट बंगाल का हम बनाए थे पहले भी, लेकिन ये वेस्ट बंगाल का कौन सा है, फाइनल वाला है, ठीक है, जिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फाइनल कट ऑफ लिखा है, मतलब यहाँ पर हर कास्ट आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, और आपका आप जो भी एरिया चाहते हो, मान लो जनरल एरिया, नक्सल या बॉर्डर एरिया, देखिए वेस्ट बंगाल में तीनों एरिया आता है, जनरल एरिया भी आता है और नक्सल और बॉर्डर एरिया भी आता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आप इसका फाइनल कटअप बताइए, तो मैंने सोचा कि वेस्ट बंगाल का फाइनल कटअप बता देते हैं, साथ ही साथ हम सोचे कि यहाँ रिजल्ट के बारे में आप लोगों को बता दें। एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है आपका ये मार्च के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। और बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल की आप लोग जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। फिजिकल आपका मई से जून में होगा, कब होगा, मई से जून में होगा आपका फिजिकल, तो फिजिकल की आप जम के तैयारी कीजिए। और यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए क्या होता है ना कि माइनर माइनर मिस्टेक पर भी मेडिकल में आप लोगों को हटा दिया जाता है, इसलिए अगर मेडिकल से रिलेटेड आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप मुझे कमेंट करेंगे, ज्यादा बच्चों का कमेंट आया कि सर एसएससी जीडी मेडिकल पर भी वीडियो चाहिए, तो उसमें मेडिकल पर एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाएगा, ठीक है। और या आप चाहते हैं कि इसके बारे में बताएं कि बीएसएफ आपको कितने पोस्ट पर मिलेगा, ठीक है, एसएसएफ कितने पोस्ट पर मिलेगा, अगर ये भी आप चाहते हैं, या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ कितने पोस्ट पर मिलेगा, ये सब भी आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे सीआरपीएफ कितने पोस्ट पर मिलेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको मेल और फीमेल का फाइनल कटअप वेस्ट बंगाल का बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हम बता दें कि देखिए यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में है, पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं आप लोगों के लिए जो डाटा तैयार किया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड भी आप लोगों को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें, यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो कितना होगा, देखिए मेल कैंडिडेट का बात करें तो 55 मार्क्स, कितना 55 मार्क्स नक्सल एरिया, और बॉर्डर एरिया का कितना होगा 53 मार्क्स, कितना 53 मार्क्स। देखिए यहाँ पर N/B है, पहले नक्सल एरिया, फिर किसका है बॉर्डर एरिया का है, ठीक है। अगर बात करें इसके बाद हम EWS में फीमेल कैंडिडेट का नक्सल या बॉर्डर एरिया का, तो 57 और 55, ठीक है, 57 और 55। तो देखिए यहाँ पर EWS में पहले फीमेल कैंडिडेट में 57 नक्सल एरिया, 55 बॉर्डर एरिया। अब EWS का जनरल एरिया की बात करें तो उसका होगा 60, ठीक है, 60 मार्क्स मेल का और 59 मार्क्स फीमेल का, ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के बारे में, किसके बारे में, एससी कैटेगरी। उससे पहले हम यहाँ बता दें कि देखिए मेल कैंडिडेट जो 60 मार्क्स लाया है उसको जनरल एरिया मिलेगा EWS में, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट जो 59 मार्क्स लाएगी उसको जनरल एरिया मिलेगा EWS में, वहीं पर मेल कैंडिडेट जो 55 या 53 लाएगा उसको नक्सल या बॉर्डर एरिया मिलेगा, और फीमेल कैंडिडेट जो 57 या 55 लाएगी तो उसको यहाँ पर नक्सल या बॉर्डर एरिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम एससी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, तो एससी कैटेगरी में आपको देखिए ध्यान से समझना है, ठीक है, हम कुछ कुछ आपको बीच में हिंट भी देंगे कि ये सब के बारे में, बीएसएफ, एसएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इसलिए अंत तक बने रहे, उसके बारे में भी हम कुछ कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी का जो 81, ठीक है, देखिए पहले जनरल एरिया का देखते हैं, मेल कैंडिडेट का 81 मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, ठीक है, 160 में से, कितना 160 मार्क्स में से। देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी में जनरल एरिया में मेल कैंडिडेट का 81 मार्क्स पर होगा, फीमेल कैंडिडेट का 80 मार्क्स पर, कितना 80 मार्क्स पर होगा, ठीक है। अगर वही एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें, एससी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए कितना होगा, 57 मार्क्स पर यहाँ पर नक्सल एरिया मिलेगा, कितना 57 मार्क्स पर मेल कैंडिडेट को नक्सल एरिया मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया की तो वह कितने मिल रहा है, 55 मार्क्स पर, कितना पर 55 मार्क्स पर। उसी तरह आपका यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का, अगर फीमेल कैंडिडेट का हम लोग बात करें तो फीमेल कैंडिडेट पर 67 और 55, कितना 67 मार्क्स और 55 मार्क्स। अब इसको ध्यान से समझना है, हम समझाते हैं आपको। देखिए एससी कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट 81 मार्क्स लाता है तो उसको जनरल एरिया मिलेगा, एससी कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट 57 या 55 मार्क्स लाता है तो उसको नक्सल या बॉर्डर एरिया मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, एससी कैंडिडेट में अगर फीमेल कैंडिडेट 80 मार्क्स लाती है तो उसको जनरल एरिया मिलेगा, एससी की फीमेल अगर यहाँ पर 67 या 55 मार्क्स लाती है तो उसको नक्सल या बॉर्डर एरिया मिलेगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, इस चीज को हम बता दें कि आखिरी में हम बीएसएफ, एसएसएफ, सीएसएफ और सीआरपीएफ के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर हम एसटी कैटेगरी की, ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में अगर जनरल एरिया तो क्या होगा 80 और 79, ठीक है, जनरल एरिया में क्या होगा, यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 80 मार्क्स लाना होगा फाइनल मेरिट के लिए, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट को 79 मार्क्स, ठीक है, जनरल एरिया के लिए, किसके लिए, जनरल एरिया के लिए। और यहाँ पर बात करें नक्सल या बॉर्डर एरिया के लिए, एसटी कैटेगरी में नक्सल या बॉर्डर एरिया के लिए मेल और फीमेल को कितना मार्क्स लाना होगा, देखते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी में, यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 73 या 75, ठीक है, 73/75, इसका मतलब समझना है 73 मार्क्स किसके लिए है, नक्सल एरिया के लिए, 75 मार्क्स है बॉर्डर एरिया के लिए, किसके लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो यहाँ पर कितना है आपका
यहाँ पर आपका 72 और 74 है, क्या है 72 और 74 मार्क्स है, 72 नक्सल 74 बॉर्डर एरिया। मतलब अगर एसटी कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट 80 मार्क्स लाता है तो उसको जनरल एरिया मिलेगा, एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट 79 मार्क्स लाती है तो उसको जनरल एरिया मिलेगा, वहीं पर मेल कैंडिडेट अगर 73 या 75 लाता है तो उसको नक्सल या बॉर्डर एरिया मिलेगा, और फीमेल कैंडिडेट 72 या 74 लाती है तो उसको नक्सल या बॉर्डर एरिया मिलेगा। बात करते हैं ओबीसी के बारे में, ठीक है। तो ओबीसी के बारे में बात करने से पहले ये बता दें कि हम वीडियो के लास्ट में आपको बीएसएफ, एसएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ओबीसी में जनरल एरिया 81 मार्क्स पर मिलेगा, कितना पर 81 मार्क्स पर। देखिए जनरल एरिया है ना ओबीसी में, जनरल एरिया मेल कैंडिडेट अगर 81 मार्क्स लाता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जनरल एरिया में, ठीक है। वहीं पर अगर मेल कैंडिडेट कितना मार्क्स लाता है 65 या 63 मार्क्स लाता है उसका नक्सल या बॉर्डर एरिया में सिलेक्शन होगा। 65 आता है तो नक्सल एरिया, 63 आता है तो बॉर्डर एरिया। अगर वहीं पर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी में फीमेल के लिए 73 मार्क्स पर, कितना पर फीमेल के लिए 73 मार्क्स पर सिलेक्शन होगा जनरल एरिया में। अगर फीमेल नक्सल या बॉर्डर एरिया में सिलेक्शन चाहती है तो 65 और 61, कितना 65 नक्सल एरिया और 61 बॉर्डर एरिया। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के आपका 95 और 91, कितना है 95 मार्क्स मेल का, 91 मार्क्स फीमेल का। अब जनरल कैटेगरी का भी नक्सल या बॉर्डर एरिया है, तो जनरल कैटेगरी का अगर नक्सल या बॉर्डर एरिया की हम बात करें तो उनका कितना होगा 75 और 65, मेल कैंडिडेट का कितना होगा 75 नक्सल एरिया, 65 बॉर्डर एरिया, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका कितना है यहाँ पर 77 और 73। ये देखिए ये नक्सल एरिया के लिए है स्लैश से पहले और स्लैश के बाद बॉर्डर एरिया के लिए। तो ये एक बार आप देख सकते हैं अपना वेस्ट बंगाल का फाइनल कटअप, अगर आप इतना के आसपास ला रहे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीएसएफ, एसएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीएसएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ है इस पर हम एक अलग कटअप आज शाम तक डालने वाले हैं, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को देख लेना है कि आपका कितना मार्क्स पर आप जिस भी कैटेगरी से है। ऐसे हम यहाँ पर एक आप लोगों को बता देते हैं, देखिए यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे पहले रफ कर लेते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है एसएसएफ, कौन होता है एसएसएफ, उसके बाद होता है आपका सीआईएसएफ, ठीक है, उसके बाद आपका होता है सीआरपीएफ, ठीक है, उसके बाद आपका होता है यहाँ पर आईटीबीपी, आईटीबीपी, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा कैटेगरी होता है लास्ट में बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 180 क्वेश्चन थे, ठीक है, 80 × 2 कीजिएगा तो कितना होगा 160, ठीक है, तो 160 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था। तो जो बच्चा किसी भी स्टेट से हो अगर वो एसएसएफ चाहता है लेकिन 120 प्लस लाया है, कितना 120 प्लस, तो वो सेफ है, ठीक है, मेल हो या फीमेल। सीआईएसएफ के लिए वो 100 प्लस पर सेफ है, सीआरपीएफ के लिए वो 90 प्लस पर सेफ है, ठीक है, आईटीबीपी के लिए। अब ये एवरेज है, अब मान लीजिए कि किसी स्टेट का सीआरपीएफ का कटअप जा रहा है 110, तो 90 प्लस पर कैसे सेफ है, हम एवरेज बता रहे हैं, ठीक है, और एन एवरेज हर स्टेट के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 88 प्लस पर सेफ है, और बीएसएफ के लिए यहाँ पर बहुत बच्चे यहाँ पर 79 प्लस पर भी सेफ है। तो इसके लिए हम स्पेशल एक फाइनल कटअप लेके आने वाले हैं कि मेल का क्या जाएगा, फीमेल का क्या जाएगा, ठीक है। ये एक एवरेज हम आपको बताए थे सभी का कि सबसे ऊपर एसएसएफ होता है, फिर सीआईएसएफ होता है, फिर सीआरपीएफ होता है, फिर आईटीबीपी होता है, फिर बीएसएफ होता है, ठीक है। तो हम बहुत ही जल्द आपके लिए इसका एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।